दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ, ध्यान, मुहूर्त, मंत्र, योग आदि की जानकारी मिलती है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 से शुरू होने जा रही है। माता का आगमन किसी सवारी पर ही होता है। माता रानी इस बार डोली पर सवार होकर आएंगी। देवी माँ का आगमन कभी हाथी, कभी घोड़े, कभी नावादी से होता है। वहीं देवी भागवत पुराण के मुताबिक जब कभी नवरात्र का प्रारंभ बृहस्पतिवार या शुक्रवार से होता है, तब देवी माता का आगमन डोली से होता है। ऐसे में इस बार शारदीय नवरात्रि का पर्व गुरुवार से शुरू हो रहा है, यानी देवी माँ डोली पर सवार होकर आएंगी। ऐसे में साल 2021 में देवी माँ की विदाई भी डोली में ही होगी। जबकि रविवार या सोमवार से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माता हाथी विराजित होकर आती है। इसके अलावा मंगलवार या शनिवार को माता का आगमन घोड़े पर होता है। वहीं बुधवार को वे नाव पर सवार होकर आती हैं। हम सभी जानते हैं माता रानी की सवारी शेर है, लेकिन सप्ताह के दिनों के आधार पर भागवत पुराण में देवी माँ की सवारी के बारे में बताया गया है। माँ के डोली पर आने का परिणाम क्या होगा? इसकी बात करें तो माँ का वाहन सिंह है और जब माँ सिंह पर सवार होकर आती हैं तो खुशहाली और समृद्धि लाती हैं, लेकिन डोली में आना यह बताता है कि इस साल महामारी और रोगों में वृद्धि होने वाली है। परंतु दोस्तों, माँ का आगमन जिस सवारी पर हो और उसका परिणाम जो हो, हमें माँ का आशीर्वाद मिलता रहेगा। हमें अपनी तरफ से यही आशा करते हुए माँ की आराधना करनी चाहिए। चारों ओर शांति और खुशहाली आए, इसी कामना से नवरात्र का स्वागत कीजिए। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।